हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड ऑमलेट। और ऑमलेट भी ऐसा बिना अंडे का, एकदम प्योर वेज और बिल्कुल अंडे वाले ऑमलेट का टेस्ट होगा। और इसको बनाना बहुत इजी है, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ 3 ब्रेड ली हैं, मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। अब 4 चम्मच हमने मैदा लिया है और 4 चम्मच हमने बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, ऑमलेट में डालने के लिए धनिया लिया है, 2 मिर्ची ली हैं और 1 प्याज लिया है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन डालेंगे, मैदा डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका हम एक अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। और देखिए पेस्ट बन गया है। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। वो 15-20 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम फिर से चलाएंगे। अच्छे से चलाना है और इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, एकदम हमने सॉफ्ट पेस्ट करना है। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे, हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आधी चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं जाने चाहिए, हमें अच्छे से इसका सॉफ्ट पेस्ट बनाना है। अभी पेस्ट हमारा गाढ़ा है, इसको थोड़ा पानी डाल के हम पतला करेंगे। इसका टेस्ट एकदम ऑमलेट जैसा आएगा। और ये देखिए ये अच्छे से पतला हो गया है, और देखिए इतना ही हमें पतला चाहिए, ये देखिए। अब हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड को हम बीच से राउंड शेप में कट कर लेंगे। ग्लास लेंगे, आप ग्लास कटोरी कुछ भी ले सकते हैं, और बीच से हम इसको राउंड शेप में कट करना है। देखिए इसको अच्छे से प्रेशर देंगे और ये देखिए कितने इजीली कट गया है। और ये देखिए अब इसको हम अलग से रख देंगे, ऐसे ही हम सारी ब्रेड को बीच से कट कर लेंगे। और ये एकदम अलग तरह का हमारा ब्रेड ऑमलेट बनेगा। और देखिए इस तरह से हमें इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब एक नॉन स्टिक तवा लेंगे, उसमें हम घी, ऑयल या बटर डालकर उसको ग्रीस करेंगे। अब इसमें हम ब्रेड रखेंगे और जो इसके अंदर जो खाली जगह है उसमें हम अपना पेस्ट डालेंगे। ब्रेड के इक्वली हमें पेस्ट डालना है। अरे देखिए बिल्कुल इक्वल हो गया है। अब हम इसको कुछ 25-30 सेकंड के लिए हम इसको ढक के रख देंगे और एकदम लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। देखिए 25-30 सेकंड हो गए हैं, अब इसको हम पलट देंगे और अच्छे से इसको प्रेस करेंगे और फिर से हम इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि हमने बेसन से बनाया है तो इसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखिए 25-30 सेकंड हो गए हैं, हम इसको फिर से पलट देंगे। अब हम ब्रेड के ऊपर ऑयल, घी, बटर जो भी आपके पास है उसको अच्छे से लगा देंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और ऐसे ही एक दो बार हम पलट कर इसको कुक करेंगे।
ये देखिए हमारा पहला ब्रेड ऑमलेट बनके तैयार है। अब मैं दूसरी तरह से आपको बताती हूँ, अब ब्रेड ऑमलेट का दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। और देखिए अब ब्रेड को हम तवे पे रख देंगे। अब इसमें हम अपना पेस्ट डालेंगे, पेस्ट इसमें इक्वली नहीं डालना है, थोड़ा सा कम डालना है। और फिर जो हमने कट किया था, जो पीस अलग से रखा था, उसको हम इससे कवर कर देंगे। अब ब्रेड को थोड़ा प्रेस करेंगे। अब इसके ऊपर घी, ऑयल, बटर जो भी आपके पास है वो लगा देंगे। अच्छे से लगाना है। वो लगाने के बाद हम इसको फिर से ढक के रख देंगे 15-20 सेकंड के लिए। हम इसको फिर खोलेंगे। अब इसको हम फिर से पलट देंगे। ये देखिए हमारे इस साइड से ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसको हम फिर से ढक के रख देंगे, क्योंकि ये बेसन से बना रहे हैं तो इसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें 2-3 बार ऐसा ही करना होगा। और ये देखिए ये हमारे अच्छे से कुक हो गई है, और लो फ्लेम पे हमें ये कुक करना है। और ये देखिए हमारी दूसरी ब्रेड भी बन के एकदम रेडी है। ऐसे ही हम तीसरी ब्रेड बना लेंगे। थोड़ा पेस्ट डालेंगे, इसको कवर कर देंगे। अब इसमें ऑयल लगाएंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। फिर खोलेंगे, फिर इसको 1-2 बार पलटेंगे। और ये देखिए हमारी सारी ब्रेड बन के एकदम रेडी है, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनी है, और इसमें एकदम ऑमलेट का टेस्ट आया है। तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे सॉस, चाय किसी के साथ खा सकते हैं। और ये पास से देखिए ये हमारे ब्रेड ऑमलेट बन के एकदम रेडी हैं, और इसे हमने बिना अंडे के बनाया है, और टेस्ट एकदम अंडे वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।